है, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है आपका, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट विल वर्क ऑन द मिशन मोड ऑफ द एंगेजमेंट, नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग कैटेगरीज की काफ़ी ज़्यादा है। ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है 17/12/2022 को, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर आ चुका है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी सीनियर कंसल्टेंट टेले मनास की है, एज पर सेंट्रल क्वालिफिकेशन इसमें साइकेटिक क्वालिफिकेशन MD या रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इक्वलाइज थेरेपी ऑफ साइकेटिक एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का मांगा गया है। और इसके अंतर्गत जो पेमेंट आपको मिलने वाली है वो है आपकी 85,000 प्लस इंसेंटिव, मतलब इसमें आपका 85,000 के अलावा इसमें इंसेंटिव की भी अलग से इसमें आपको मिलने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज आपसे चाही गई वो अप टू 55 ईयर चाही गई है। इसके बाद में है कंसल्टेंट की एक पोस्ट, इसमें 2 पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं, और इसमें पोस्ट के हिसाब से आपका साइकेटिक क्वालिफिकेशन MD या फिर रिकॉग्नाइज क्वालिफाई इक्वल इन साइकेटिक के हिसाब से चाहिए। सैलरी पैकेज आपको 65,000 इसमें आपको मिलने वाला है, प्लस इंसेंटिव इसमें अलग से आपका रहेगा। एज क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, 55 साल इसमें आपका मैक्सिमम एज इसमें चाही गई है। इसके अलावा एक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट की भी इसमें एक पोस्ट आपको इसमें शामिल की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट एक रहने वाली है, सैलरी आपको 30,000 प्लस इंसेंटिव इसमें आपको मिलने वाला है। इसके अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन चाही गई है वो है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में MA या फिर MSc डिग्री इन साइकेटिक होना कंपलसरी है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज चाही गई है वो 43 साल आपसे एज चाही गई है। अदर पोस्ट की हम बात कर लें तो साइकेटिक सोशल वर्कर के अंतर्गत एक पोस्ट आपकी इसमें शामिल की गई है, और इसकी जो पोस्ट के अंतर्गत आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपकी 30,000 रुपये। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MA MSW डिग्री इन मेंटल साइकेटिक सोशल वर्क के अंतर्गत आपसे चाही गई है। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्स की एक पोस्ट आपको इसमें शामिल की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे चाही गई है MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। सैलरी की बात की जाए तो 30,000 इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंसेंटिव भी आपको इसमें प्लस करके दिया जाएगा। अदर एक पोस्ट है काउंसलर की, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें शामिल की रखी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 20 है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आपको इसमें काउंसलर के संबंध में मिलने वाली हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो इसमें जो सैलरी है आपको 25,000 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। क्वालिफिकेशन यदि हम देख लें तो मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल वर्क या अदर रिलेटेड डिसिप्लिन एज पर द MA सोशोलॉजी आपको इसमें मान्य किया जाएगा। एज लिमिट इसमें आपको 43 ईयर चाहा गया है। इसके अलावा एक पोस्ट इसमें टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की भी है, उसमें सैलरी आपको 30,000 मिलने वाली है। और इसके अलावा जो भी अदर जानकारी है वो इस PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट की यदि हम बात कर लें तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव विल बी 31/12/2022। कैंडिडेट विदाउट ऑफ अबव क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। द नंबर ऑफ वैकेंसी मे वरी एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। यदि आपकी जो वैकेंसी है वो कम ज़्यादा भी किए जा सकती है। और ये जो वैकेंसी आपकी आई है ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन असम के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी आई है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है। यदि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी है और आप नियर टू असम हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें सैलरी के अलावा इंसेंटिव का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।